वही कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में एक मगरमच्छ के खौफ से पूरा गांव में दहशत का माहौल है। दरअसल यह बीते कई महीनों से जमुनहा तालाब में मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। बार बार तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में एक डर बैठ गया है। वही इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकायत भी की। इसके बाद वन विभाग DFO गौरव शर्मा ने जबलपुर से रेस्क्यू दल को बुलवाकर मगरमच्छ पकड़ने के लिए तालाब में पिंजरा लगवाया। वहीं रेस्क्यू टीम द्वारा मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उमरिया पान में करीबन 2.5 हेक्टर का एक रेवेन्यू में तालाब है। फॉरेस्ट वहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे वो मगरमच्छ का रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है। हमने जबलपुर से एक टीम को बुलाया है। एक धनंजय हैं जो रेस्क्यू करते हैं, उनके साथ हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ भी है। उन्होंने कल एक पिंजरा लगाया था, पिंजरे के बाहर मुर्गा रखा था, अंदर भी एक मुर्गा रखा हुआ था, पर मगरमच्छ जो था वो बाहर के मुर्गे को खा के निकल गया था। आज भी प्रयास किया गया है, आज उस पिंजरे को पानी के अंदर डाला गया है। हमें गांव वालों से सूचना मिली थी, हम नहीं चाहते कोई तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ पर घटित हो, हम प्रयास जारी किए हुए हैं। मगरमच्छ करीबन 8 से 9 फीट लंबा है, करीबन मीडियम साइज़ का आप बोल सकते हैं, यही अभी पता है हमें। अभी कोई शिकार नहीं हुआ है, मोस्टली गर्मी का समय है, तो ऐसे समय वन्य प्राणी घूमते रहते हैं, पानी का प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से शायद वो उस तालाब में आ गया है।